नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका फर्स्ट का दिया नारा, हिलेरी क्लिंटन से होगा मुकाबला। रिपब्लिकन पार्टी के नेता नेफ्ट ग्रीनविच का दावा, मोदी ट्रंप की जोड़ी को बताया दोनों देशों के लिए बेहतर, कहा दोनों ऊंचाइयों को पहुंचा सकते हैं दो लोकतांत्रिक देशों को। सिंध के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह का अगवा बेटा ओवेस एक महीने बाद आतंकियों के चुंगल से छुड़ाया गया, तीन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने की सुरक्षा बलों की तारीफ। ट्विटर पर फिर एक्टिव हुआ आतंकी हाफिज सईद, ट्विटर पर ब्लॉक किए जाने के बावजूद दूसरा अकाउंट बनाया, भारत के खिलाफ उगला जहर। हैदराबाद के रोहित खंडेलवाल ने जीता मिस्टर वर्ल्ड का खिताब, जीतने वाले पहले भारतीय बने, $50,000 की राशि इनाम में मिली। बांग्लादेश से गायब हुए 260 लोग, अधिकारियों ने लापता लोगों के आईएस से जुड़ने की जताई आशंका, सुरक्षा बलों ने लोगों की सूची जारी कर नागरिकों को रिपोर्ट करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र को मिली एक रिपोर्ट का खुलासा, दक्षिण सूडान के सैनिकों पर लगा दुष्कर्म का आरोप, सेना प्रवक्ता फरहान हक ने कहा जांच में आरोप सही पाए जाने पर माना जाएगा युद्ध अपराध। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।